एनबीएस या भरतवन में आपके ये संयुक्त मोर्चे का है जी, और इसमें ड्राइवरों से भी है कि जो उनके लिए काला कानून लेकर आया सरकार ने भी रोक क्या है कि एक्सीडेंट हो जाएगा तो 10 साल की सजा। ठीक है सर, 26 जनवरी परेड को लेकर किस तरह की तैयारी भारतीय किसान यूनियन की है? देखो ये संयुक्त मोर्चे की कॉल है और 26 जनवरी ट्रैक्टर परेड जो हमारा टैंक है किसानों का अपने ब्लॉक स्तर पे लेकर जाए वहाँ पर बैठे 10-11 बजे के आसपास से और 2 बजे तक वहाँ पर रहे, अपनी मीटिंग चलावे और निकाल ले शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग जाए। ये तो यूपी के अलावा और कहाँ का नहीं, ये सब जगह रहेगा, पूरे देश भर में है ये। तो देश क्या, ट्रैक्टर तो दुनिया में किसानों का सिंबल बन गया। आप जर्मनी में, बर्लिन में देखो, आप फ्रांस में देखो, तो ट्रैक्टर अब किसान, दुनिया का किसान ट्रैक्टर लेकर निकल गया, अब तो चलेगा। और ये ट्रैक्टर एक किसानों की ताकत बन गया, पूरी दुनिया में सामने आएगी। जो सरकारें विरोध में काम करेगी किसानों के, तो उसका मुकाबला ट्रैक्टर से होगा। हमारा 16 फरवरी को भारत बंद है, उसमें बहुत सी यूनियनें उसमें हैं, संयुक्त किसान मोर्चा है, और उस दिन किसान भी अपने खेत में एक दिन ना जाएं, एक दिन काम ना करें। पहले भी हम अमावस्या जब होती थी तो एक दिन खेत में काम नहीं करते थे, तो 16 फरवरी किसानों के लिए अमावस्या ही है, उस पर काम ना करें। एग्रीकल्चर हड़ताल इसमें रखा तो एक उससे देश में बड़ा मैसेज जाएगा। और हमारे दुकानदारों से भी अपील है, हमारे किसानों से भी अपील है, उस दिन शहर में ना आए, खरीदारी ना करें। और दुकानों से भी अपील है कि वो भी अपनी दुकानें बंद रखें किसानों के समर्थन में, एक दिन किसान और मजदूर के नाम। क्या मुख्य मांगे रहेंगे उसके अंदर? क्या मुख्य तो MSP गारंटी कानून का है, जो और बहुत से सवाल है, बेरोजगारी है, नौकरियां हैं, अग्निवीर हैं, तो ये सारे जो सवाल है ये उसमें रहेंगे। पेंशन का मामला है, जिन लोगों की नौकरी जा रही, रिटायर हो रहे हैं, तो पेंशन का भी देश में बड़ा इशू है। भारत बंद रहेगा या केवल भारत बंद काम आ रहा है, किसानों का भारत बंद रहेगा? किसानों ने दूसरे संगठन भी उसमें काम करेंगे, जो ट्रांसपोर्टर है उनसे भी वो कराए कि वे भी एक दिन के लिए बंद रखे सब लोग। जैसे ड्राइवरों का हुआ था अभी, तो वापसी लिया, तो वो इशू भी इसमें रहेगा। सर, आज राहुल गांधी अपनी शोभा यात्रा लेकर जो है आसाम गए थे, वहां मंदिर में प्रवेश उनका वर्जित कर दिया। हाँ, ये घटना है, कल की घटना थी ये। वो गए थे और मंदिर में जाना था, मंदिर कमेटी से परमिशन भी ले रखी थी, लेकिन उसके बाद वे भी नहीं जाने दिया गया। क्या पुलिस प्रशासन और सरकारें, मतलब मंदिर में भी वो इमरजेंसी लगती है क्या कि कोई आदमी नहीं जा सकता? मंदिर तो सबके लिए खुले हुए हैं। क्या ये मैसेज देना चाहते हैं कि मंदिर सिर्फ BJP के हैं या मंदिर सरकारी हैं, या मंदिर में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा? जब कमेटी ने वहाँ पे कहा, उन्होंने कहा हम आएंगे, और उसके बाद में पुलिस ने बैरिकेटिंग लगा कर रोके।